पॉलिटिकल साइंस का 7 फरवरी में अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरी तरीके से देख लेगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक लेकर आए हैं इंटरमीडिएट का यानी क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही सारे प्रश्न आने वाले हैं। पूरी तरीके से देख लीजिएगा, यहाँ से आपको जो है 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग पूरी तरीके से इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि यहाँ से वो प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इधर उधर की क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आने वाले होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, क्या बोला कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है। तो यहां पर देखिए फटाफट से जवाब देंगे, अगर आप लोग इसका आंसर पता है तो फटाफट से करिएगा। तो इसका राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया। तो यहां पर आप लोगों को फटाफट से जवाब देने, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये पूरी तरीके से अगर पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर यानी क्या होगा, बलवंत राय मेहता समिति, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बलवंत राय है, बलवंत राय नहीं है। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। तो सोवियत संघ में सुधारों की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तीन नंबर का। तो तीन नंबर का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, नहीं मिखाइल गुरुवाच है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न को आप लोगों को पढ़ना है। जैसे कि मैं आप लोग के लिए बता चुका था आप लोगों को कि मैं सीरीज लेकर आ रहा हूं, तो वो सीरीज जो है आज चौथा सीरीज चल रहा है, और हिस्ट्री का लगभग कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी का भी कंप्लीट हो चुका है, और पॉलिटिकल साइंस का अभी कंप्लीट होने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर चौथा का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर, ए नंबर यानी 1917 करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 नंबर का ए नंबर। ए नंबर में क्या है, मिखाइल गुरबाच है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न, इसलिए आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लोग पूरी तरीके से देखें। और आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ कि कैसे मॉडल पेपर PDF नोट्स डाउनलोड करने हैं, वो पूरी तरीके से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो यहां पर 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बोलिएगा। तो बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी किसने किया था विरोध नाटो का, तो यानी फ्रांस ने किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई थी। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी, तो फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी 1957 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है फटाफट से। अगर आप लोग को किसी भी प्रश्न में डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोग को बिल्कुल करेक्ट बता दूंगा। क्योंकि BBP है टेलीग्राम में जुड़ करके, वहां पर मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा। अब यहां देखिए आसियान शैली क्या है, तो आसियान शैली क्या है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 नंबर का। तो 8 का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर क्या है, सभी आसियान सदस्यों को जोड़ने वाली सड़कें, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारतीय विदेश की नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो यहां पर देखेंगे फटाफट से आप लोग को 9 नंबर का जवाब देने हैं। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अभी मैं आप जल्दी से मार्शल योजना कब तैयार किया गया। तो 10 नंबर का यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर 1947 को मार्शल योजना तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देने हैं बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या बोला कि सीटो की स्थापना कब हुई थी। तो सीटों की स्थापना कब हुई थी, तो यहां पर 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी 1954 में हुई थी। क्या होगा करेक्ट आंसर, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्षिण एशिया का वह भाग कौन देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। तो यहां पर 12 नंबर का जल्दी से आप लोग को जवाब देना है। तो 12 नंबर का यहां पर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से बोलना आप लोगों को। तो 12 का ए नंबर क्या होगा, ए नंबर में श्रीलंका राइट आंसर होगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे की ओर। अब यहां पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कौन देश दक्षिण का सदस्य नहीं है। तो कौन देश जो है दक्षिण का सदस्य नहीं है, तो यहां पर 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोला करेगी, नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के पूर्व वहां का राजा कौन था। तो यहां पर क्या होगा, फटाफट से आप लोगों को 14 नंबर का जवाब दें। 14 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी क्या होगा, ज्ञानेंद्र नाम था, राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आजाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। तो यहां पर आप लोगों को फटाफट से जवाब देने, 15 नंबर का। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, 3200 राइट आंसर होगा, क्या 3200 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो यहां पर 16 नंबर का जवाब देने आप लोगों को फटाफट से। तो 16 नंबर का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी क्या होगा, नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को तो 15 नंबर में बताया नहीं, पूरी तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा लास्ट में। देखिए अगर आप लोग लास्ट में वीडियो अगर देख लेते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है नॉलेज वहां पर दे रहा हूं, यानी पीडीएफ कैसे प्राप्त करने, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट का सारा चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन देश सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य नहीं है, तो सुरक्षा परिषद का कौन अस्थाई सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी भारत जो है अस्थाई सदस्य सुरक्षा परिषद का यानी अस्थाई सदस्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में संयुक्त राष्ट्र का सिद्धांत कौन नहीं है, तो निम्नांकित में संयुक्त राष्ट्र का सिद्धांत कौन नहीं, तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं डी नंबर, यानी दूसरे के भूभाग पर अधिकार। ठीक है, राइट आंसर क्या डी नंबर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो यहाँ पर आप लोग 19 नंबर का फटाफट से जवाब देने, तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या होगा, यानी भारतीय क्रांति दल, क्या होगा, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोग किसी भी प्रश्न में डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहां मैं आप लोग को सबसे पहले लिंक शेयर कर देता हूं। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला, निम्नांकित में से कौन वैश्विक सुरक्षा का मसला नहीं है, तो यहाँ पर 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं, चलिए फटाफट से देखिए, तो 20 नंबर का आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला, जरा फटाफट से देखना और जवाब तेजी से देने हैं। कह रहे कि राष्ट्रीय मंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई, तो राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी वेरियस हेल्थ सीन, क्या होगा, वेरियस हेल्थ सीन, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ, तो विश्व में अमेरिकी वर्चस्व जो स्थापित होता है कब होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, सभी करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पूरी तरीके से देखना है और अच्छे तरीके से जो आप लोग एनालिसिस कर लेने अपने इन नॉलेज का। अब यहाँ देखिए क्या बोला, सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया, तो सद्दाम हुसैन को जो पकड़ा गया था ये कब पकड़ा गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर, यानी 13 सितंबर 2003 को पकड़ा गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला, कि खारी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे, तो खारी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति जो थे कौन थे, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर का सद्दाम हुसैन करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति है, तो नीली जींस जो है किस देश की जो है संस्कृति है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या, 26 नंबर का डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, यानी 6 है, क्या होगा, 6 करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, फटाफट से जवाब देने हैं। कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, 28 नंबर का, तो 28 करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी जनवरी 1950 में हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पूरी तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंग्रेज कि फूट डालो कि शासन करो कि नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया, तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, 29 का ए नंबर, यानी हिंदू मुस्लिम संघर्ष को जो बढ़ावा दिया था। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देने हैं, क्या कह रहा है, फटाफट से एकदम बोलने हैं, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था, तो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय जो हुआ था किस प्रकार हुआ था, तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, बल का प्रयोग से हुआ था। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला, कह रहा है कि भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, केंद्र को अधिक जो शक्तियां प्राप्त है। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लोकतंत्र की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 नंबर का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में 552 सीटें हो सकती है। ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई थी, तो 33 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, जल्दी से बोलिएगा, ए नंबर, आंध्र प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो बजट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है, तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, आय एवं व्यय से। ठीक है चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगा दिया था, तो यहाँ पर देखिए फटाफट से बोलिए, हिंदी चीनी जो भाई भाई का नारा लगाया था कब लगाया था, तो 35 का करेक्ट आंसर सी नंबर का, सी नंबर 1954 से 1955 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कि
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर में क्या होगा? नहीं, सैयद अली। क्या होगा? ए नंबर करेक्ट आंसर 36 का, ए नंबर सैयद अली राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला करें कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम था। तो यहाँ पर क्या हो, जल्दी से बोलने, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का आयोग का नाम क्या था? तो अगर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर क्या होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग करेक्ट बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, 1960 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, 1971 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया? तो यहाँ पर क्या होगा, 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने आप लोगों को, तो बी नंबर में क्या होगा, नहीं 2008 में हुआ था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी तरीके से वीडियो को देखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर में क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, नहीं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई थी? तो यहाँ पर हमारा 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या होगा, ए नंबर करेक्ट आंसर का, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, यानी 1951 से 1956 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, रक्षा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला करेगी, वह कौन देश है जहाँ HIV एड्स के 3 व्यक्तियों में 1 पीड़ित है? तो यहाँ पर फटाफट से बोलेगा, HIV होता है ना, ये बीमारी है। ठीक है, एड्स को कहा जाता है। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, नहीं क्या होगा, यानी बोत्सवाना। क्या होगा, बोत्सवाना नाम है। ठीक है, यानी उस देश का नाम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सहयोगात्मक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कौन सम्मिलित की जा सकती है? तो यहाँ पर फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा आप लोग, वेरी गुड, एकदम आप लोगों का जवाब फटाफट से आ रही है। तो यहाँ पर हमारा 46 का डी नंबर होगा, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए किसी भी प्रश्न में अगर आप लोग को डाउट हो या फिर कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बता सकते हैं, और इसका मैं जवाब आप लोग को पूरी तरीके से दे दूंगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला, फटाफट से देखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करें कि गठबंधन का अर्थ होता, तो गठबंधन का अर्थ क्या होता था? तो 47 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, सोनिया आकरमन की अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है, तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है? तो 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, तो ए नंबर में क्या होगा, यानी खतरे से मुक्ति। क्या होगा, खतरे से मुक्ति, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन जो एक पर्यावरणविद नहीं है? तो यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोल सकते हैं, तो डी नंबर में क्या होगा, यानी केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल पर जो भारत हस्ताक्षर किया था, कब किया था? तो 50 का करेक्ट आंसर सी नंबर 2002 में किया था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो कहा जाता है वो किस नदी को कहा जाता है? थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखिए 51 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेंगे वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी? तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, यानी ब्राजील में हुआ था। देखिए आज आप लोग का क्लास होने वाली है 7:45 में, जिसमें आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया जाएगा, जैसे कि कल मैं हिस्ट्री का किया था, आज हिंदी का कराने वाला हूं, तो आप लोग जुड़िएगा। यानी आज लगभग हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लगभग 200 से यानी 250 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, सो आप लोग जुड़िएगा क्लास में, यानी 7:45 में। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं कि आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और लास्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ PDF कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ बताने वाला हूँ। अब यहाँ 53 नंबर का क्या हुआ, इसका राइट आंसर जल्दी से बोलिएगा, यानी वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, तो कौन हुए थे प्रभावित? तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर में क्या होगा, गरीब। क्या होगा, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा, यानी जैव मंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि प्रथम
विश्व जलवायु सम्मेलन कहां हुआ था? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था, कहां हुआ था? तो 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर, जेनेवा में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप क्या हो गया है? तो यहां पर क्या होगा, जल्दी से बोले, 56 नंबर का ए नंबर, ए नंबर क्या वैश्विक गांव, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, डी नंबर क्या होगा, उदारवाद पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में द्वितीय जो आम चुनाव हुआ था कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 58 का राइट आंसर ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा, 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा, 1865 में हुई, सॉरी 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यहाँ पर 1865 सॉरी दिया हुआ है, यानी 1885 होना चाहिए। ठीक है, चलिए वैसे आप लोग को पता होगा इसके बारे में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, गांधीवादी समाजवादी की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? जब 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, श्री नंबर, श्री नंबर स्वतंत्र पार्टी का था। ठीक है, राइट आंसर का श्री नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी सिराज गोपालाचारी, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, कह रहा है कि लोकसभा में बिहार के संसदों की संख्या कितनी है, कितनी संख्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी 40 है। ठीक है, 40 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा, कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा, यानी पंडित नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा नाम है, आप लोग को पता होगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला, सांझी त्रिशादी का सूत्र किसने दिया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो 65 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी क्या होगा, गौरी हार्डिन, क्या होगा, गौरी हार्डिन, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, गुजरात आंदोलन कब हुआ था? तो गुजरात आंदोलन कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 66 नंबर का ए नंबर, यानी 1974 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि न्यायिक पूर्णालोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो न्यायिक पूर्णालोकन का अधिकार जो किसे प्राप्त है, तो इसका 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी सर्वोच्च न्यायालय को, राइट आंसर का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो 68 का राइट आंसर सी नंबर, भारत का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अकाली दल किस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय दल है? तो 69 का राइट आंसर क्या, जल्दी से बोल सकते हैं, तो ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा, पंजाब, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे आप लोग पूरी तरीके से देख करके अगर किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप लोग जरूर से जरूर बेबी पे हेल्प में जो करके बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला, तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी आंध्र प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, करेगी द्रविड मुनेर मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, श्री अन्नादुरे, क्या होगा, श्री अन्नादुरे, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, करेगी श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 72 नंबर का, तो 72 का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, गुजरात, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुजरात से जो है शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, फटाफट से देखने आप लोगों को, करके हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ था, तो हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या था, फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से बोलेगा, कह रहा है कि अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? तो यहाँ पर देखिए जल्दी से बताइएगा, 74 का राइट आंसर ए नंबर, ए नंबर यानी 1964 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, भारतीय संख्यांकी स्थान की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर का 75 नंबर का ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा, यानी पी सी महानोबिलिस, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलना आप लोग को, यानी क्षेत्र का ए नंबर, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, योजना आयोग भंग कब किया था? तो योजना आयोग कब भंग किया था, तो यहाँ पर देखिए 77 का राइट आंसर होगा, इन्हीं श्री नंबर 2014 में किया था। ठीक है, योजना आयोग को भंग करके क्या बना था, नीति आयोग बनाया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि नीति आयोग की स्थापना कब की थी? तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर क्या, 1 जनवरी 2015 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था?
तो 89 का राइट आंसर का सी नंबर यानी एच डी गौरा यानी एच डी देव गौरा राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगा, नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं। तो यहाँ पर 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा यानी वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए, और अभी आप लोग को मैं शानदार तरीके से जो पीडीएफ जो बताने वाले, कैसे आप लोग को पीडीएफ पढ़ने हैं, डाउनलोड करने, वो सारा चीज बताने वाला, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अभी यहाँ देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है, तो 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद। अगर आप लोग को लगता है कि वीडियो छोड़ रहे हैं, छोड़ देंगे, तो आप लोग लास्ट में जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है पूरी तरीके से। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या होगा, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा यानी चंडी प्रसाद भट्ट, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है चिपको आंदोलन के संस्थापक आप लोग को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन, निम्न में से कौन थे, तो यहाँ पर देखिए फटाफट से देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर यानी वीपी सिंह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखना आप लोगों को, कहिए तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था, तो तनाव शैथिल्य का जो दौर शुरू हुआ था कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर सी नंबर यानी 1970 के बाद। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ 50 नंबर का राइट आंसर बी नंबर यानी मुखिया, करेक्ट आंसर क्या हुआ बी नंबर। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मुक्त व्यापार का अर्थ है, तो मुक्त व्यापार का अर्थ क्या होता है, फटाफट से बोलेगा, तो 86 का करेक्ट आंसर क्या हुआ डी नंबर यानी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम जो गिराया गया था, परमाणु बम, ठीक है, तो कब गिराया गया था, तो यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर में क्या होगा 1945 में गिराया गया था। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कब दो खेमों में बटी थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यानी 1969 में बटी थी, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर 89 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलने आप लोगों को बी नंबर यानी 2006 में हुई थी। ठीक है चलिए अब देखिए अगला 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया था, तो यहाँ पर देखिए 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा बी नंबर में क्या होगा यानी 10वीं अनुसूची में रखा गया था। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन G15 का सदस्य है, तो यहाँ पर देखिए फटाफट से बोलेगा, तो इसका 91 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर में क्या होगा नहीं भारत करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि परमाणु अपप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया, तो यहाँ पर फटाफट से बोलना आप लोगों को 92 का बी नंबर यानी उत्तरी कोरिया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला फटाफट से देख रहे हैं, कह रहा है कि वर्सा पैक्ट क्या है, तो वर्सा पैक्ट जो है क्या है फटाफट से बोलना आप लोग को, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या ए नंबर में क्या करें वर्सा पैक्ट क्या है यानी सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन है। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है 94 नंबर करेगा कि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था, तो यहाँ पर 94 का करेक्ट आंसर क्या बी नंबर 1975 में किया गया था। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत किसका हमेशा से विरोध करता आया है, तो यहाँ पर क्या होगा 95 का राइट आंसर डी नंबर ऊपर सभी का। ठीक है चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है फटाफट से देखना, कह रहा है कि चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी से बोलना आप लोगों को, तो 96 का करेक्ट आंसर ए नंबर में क्या होगा यानी 1949 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है फटाफट से 97 को देखिएगा, कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो यहाँ पर क्या होगा 97 का करेक्ट आंसर सी नंबर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर में 1952 में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 99 जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो 99 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी मोरारजी देसाई करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वता भूमिका है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर यानी प्रभावी विधिक वो न्यायिक व्यवस्था। तो पॉलिटिकल साइंस का 1000 प्रश्न पढ़ने के लिए आप लोग क्या करना है यानी गूगल में जाकर के bbphelp.com लिखना है, bbphelp.com यहाँ पर उसका सर्च कर देना। ठीक है सर्च करने का अब यहाँ पर देखिए 100% ये वायरल प्रश्न है और 1000 प्रश्न अगर जो भी पढ़ लेंगे तो 100% आप लोग को बेट एग्जाम में यहीं पर से आने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए यानी पॉलिटिकल साइंस का एक सेक्शन बना हुआ है, तो आप लोगों को क्या करना है यहीं पर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लिक कर देना है, जब क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर ओपन या फिर बंद करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर कर लीजिएगा जो मर्जी आप कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 10 मॉडल पेपर आप लोग को मिल रहा है
रहा है। देखिए यहाँ पर दसों मॉडल पेपर आप मान लिया कुछ भी पढ़ रहे हैं आप लोग यहाँ से, तो फर्स्ट मॉडल पेपर के सामने पर यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ पर एन डाउनलोड है, तो डाउनलोड पे आप लोग क्या करना है क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन यानी क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ से आंसर नीचे है, यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से पढ़ करके। उसके दूसरा मॉडल पेपर पढ़ने के लिए बैक होंगे, बैक होने के बाद अब यहाँ पर से दूसरा मॉडल पेपर फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब आज की वीडियो इतना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।